हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पे न्यू वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है, आज जो मैं फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ, तो फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स को जान लेता हूँ कि क्या है नहीं है जो। तो देखिए, फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग का जो है, फर्स्ट जो आप स्टार्ट करेंगे फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग कैसे फाइल बनेगी, वो फाइल जो बनेगी प्रोग्रामिंग, वो मोडीकॉम फाइल से बनेगी। तो मोडीकॉम क्या करता है फॉक्सप्रो में, जो कि प्रोग्राम फाइल बनाता है। तो इसमें आपको सिंटैक्स समझना है, सिंटैक्स क्या कहता है। तो आपको जैसे फॉक्सप्रो कमांड बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा मोडी MODI स्पेस कॉम COMM लिखना है। आप जानते हैं कि कमांड का चार अक्षर काम करता है, तो यहाँ पे हम मोडी कॉम और स्पेस के साथ आपको यहाँ पे बताया गया होगा कि क्या कौन सा नाम पड़ेगा जो। तो यहाँ पे जो कि है प्रोग्रामिंग फाइल का नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हम एग्जांपल की ओर में देखें तो हम यहाँ पे बताए हैं कि क्या करना है आपको, मोडी स्पेस कॉम स्पेस यहाँ डेमो जो है कि मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डेमो लिखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड कमांड में आपको क्या है, तो सेकेंड कमांड में आपको डू जो है कि आप किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप इसमें डू का यूज कर सकते हैं। तो डू का यूज कैसे कैसे करेंगे, सिंटैक्स में आप समझिए। तो डू का यूज जो है कि यहाँ पे लिखेंगे कमांड बॉक्स में डू DO स्पेस, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग फाइल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है डेमो, और इस फाइल को हमने डेमो सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे डेमो लिखे हैं। अब चलते हैं अगले तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर में इनपुट कमांड। इनपुट कमांड में आप किसी भी वेरिएबल को इनपुट दे सकते हैं। सपोज दैट यहाँ सिंटैक्स में समझिए क्या है, इनपुट यहाँ पे हम कमांड लिखे हैं स्पेस के साथ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखना है। ये टेक्स्ट जो है हम समझेंगे कमांड में, जब मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा अगले वीडियो में, तो उसमें हम समझेंगे कि टेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा कैसे। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल स्टोर करना है। आप जो जो वेरिएबल स्टोर करेंगे ऊपर, वो यहाँ पे आपको किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में लिया हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे लिखा गया है इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए में कोई नंबर इनपुट होगा जब हम इसे रन कराएंगे कमांड को तब। ठीक है, तो अभी इसको टू के साथ ए को देना है, वेरिएबल को एक दे देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला। तो ये सारे कमांड करने के बाद, ये सारे यूज करने के बाद, अब यहाँ पे प्रिंट, तो प्रिंट का ये साइन जो है, आपको साइन ही इंक्लूड करना है कमांड में। फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग में जो है कमांड, उसमें हम क्वेश्चन मार्क्स का ही यूज करेंगे। तो इसमें जो क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रिंट का साइन मारना है, प्रिंट का ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है वो प्रिंट का साइन कहलाता है फॉक्सप्रो में। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया और यहाँ पे आपको प्रिंट का साइन दे दिया है, इसमें आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स में देखिए क्या है कि प्रिंट और यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में देखे तो टोटल वैल्यू इज़ इक्वल टू मैंने थोड़ा सा समझने के लिए डाल दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद यहाँ पे एक कॉमा देना है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल दे देना है जिसको हमको प्रिंट करना है, जिसमें सारा आपका कैलकुलेशन रहेगा, तो ये यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो बाकी हम सारा जो प्रोसेस है वो हम प्रोग्रामिंग में समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो इसके बाद मैं एक प्रोग्रामिंग में छोटा प्रोग्रामिंग जोड़ने के लिए आप लोग को बताता हूँ। और तो आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये बेसिक थोड़ा सा है इसलिए मैं समझा दिया आप लोग को। और इसमें जो कि वेरिएबल को रखने के लिए ना, इसमें स्टोर का यूज किया जाता है, लाइक ऐप ऐसे लिख सकते हैं,
आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं स्टोर, सपोज दैट, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ आप कैसे लिखेंगे फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग में, ठीक है, स्टोर स्पेस जीरो टू, ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, वेरिएबल क्या क्या आपको अपने जो प्रोग्रामिंग के हिसाब से रखना पड़ेगा, जैसे कि सपोज दैट हम ए बी करके रख देते हैं, है ना, ए बी सी तीन वेरिएबल लिए हैं, और चौथा हम एक अप्लाई कर देंगे टोटल, यानी कि पूरा जोड़ने के लिए इसे हमें प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे थे, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको स्पेस के साथ दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल को आप अपने फॉक्स प्रो प्रोग्रामिंग में। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है समझने में। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जब मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बनाऊँ तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ उस चीज़ को, अगर आपका कमेंट दिखा तब, ठीक है। तो चलिए, तब तक आप इस चीज़ को देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।